हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्डर हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके सबसे बड़े क्वेश्चंस, डाउट या फिर कमेंट्स के बारे में। कुछ दिनों से मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जो कि वर्किंग के बारे में थे। अब यहां पर क्वेश्चन आपके क्या थे कमेंट्स में, आपके क्वेश्चन थे कि हम स्टोन की जो फाउंडेशन है इसके बाद प्लिंथ बीम डाल सकते हैं या नहीं, किस तरह से डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो अलग अलग तरीके से पूछे गए थे, तो मैं आज सभी को मिलाकर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आपका क्वेश्चन था स्टोन की फाउंडेशन के बाद प्लिंथ बीम जरूरी है या नहीं, या फिर है तो क्या क्या करें, कैसे वर्क करें। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है कि हम स्टोन की जो फाउंडेशन है, यानी कि जिन्हें बहुत सारे जगह पत्थर की भी कहते हैं, कुछ जगह फाड़ी कहते हैं इन्हें, तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरह से हम स्टोन की जो फाउंडेशन है इसको डिफाइन करते हैं। यहां पर देखिए क्या चीज है, सबसे फर्स्ट कि हम इसे किस कंडीशन में बनाते हैं। हम इसे जब भी बनाते हैं, जब हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैक्सिमम या फिर 99% हम इसे स्टोन के फाउंडेशन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में ही बनाते हैं। और इसे आप आज के समय में 90% जगह पर आप देखेंगे तो ये ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा या फिर आपको गांव में मिलेगा, जहां पर ग्राउंड फ्लोर बनाना है आपको, बस और बात खत्म। हालांकि आज के समय में फ्रेम स्ट्रक्चर हर एक गांव में ज्यादा से ज्यादा यूज होने लगे, इंजीनियर के द्वारा घर बनाए जाते हैं। अब जब भी आप स्टोन की फाउंडेशन बनाते हैं तो यहां पर आपको एक चीज समझ लेना चाहिए कि यहां पर कॉलम आपके बिल्कुल नहीं रहेंगे। यहां पर जब आपके कॉलम नहीं रहेंगे तो आपकी फाउंडेशन जो है 14 इंच की बनती है, जो कि पत्थर की है, स्टोन की है। यहां पर आपके दो फेस पर हम फाउंडेशन में रखते हैं पत्थर, और बीच में कुछ पत्थर के हमें कुछ कट्स रहते हैं जो बेलास्ट जैसे, हम उन्हें रख देते हैं और इसको फिर ऊपर से फिनिश कर देते हैं। अब यहां पर आपका आता है डीपीसी, यहां पर आपका डीपीसी बनता है, और डीपीसी के बाद आपका हो जाता है ब्रिक वर्क स्टार्ट। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है आपको, मतलब बनाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि यहां पर आपके कॉलम नहीं आएंगे, आपकी बीम नहीं आएगी, यहां पर आएगी आपकी डीपीसी। अब जब आपका फाउंडेशन हो जाता है यहाँ पर डीपीसी, फिर आप 9 इंच की वॉल रखकर ग्राउंड फ्लोर बना सकते हैं। आपको और ऊपर बनाना है तो आप 4 इंच की तो यहाँ पर लगा नहीं सकते, आपको फिर से 9 इंच की बनाना पड़ेगा। कमरे के जो साइज है आपके, यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि कमरे के साइज आपके बहुत ज्यादा बड़े ना हो, और आप यहाँ पर जो स्लैब की बीम है वो डाल सकते हैं। आपको यहाँ पर प्लिंथ में बीम डालने की जरूरत नहीं है, हो सकता है स्लैब में भी आपको डालने की जरूरत ना पड़े, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द केस यहां पर जरूरत पड़ेगी कि आपको स्लैब की बीम डालना पड़े। अब कुछ इस तरीके से आप अपना वर्क कर सकते हैं और स्टोन की यहां पर फाउंडेशन के साथ अपना घर बना सकते हैं, और प्लिंथ बीम की जहां तक बात है तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई थिंक ये बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिले और मैं अच्छे तरीके से अपनी बात रख पाऊं, ये ज्यादा जरूरी था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।